मैंने सुना है कि बर्गर का हृदय बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, तुम मेरे लिए एक लाओगे? मगरमच्छ ने कहा, हाँ क्यों नहीं। मगरमच्छ ने सोचा, मैं यहाँ वहाँ ढूंढने के बजाय क्यों ना मैं मेरे दोस्त का ही दिल ले जाऊं। उसने एक योजना बनाई और बंदर से कहा, दोस्त, तालाब के उस पार वृक्ष पर बड़े ही मीठे फल लगे हैं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ। बंदर ने कहा, अरे वाह, चलो चलते हैं। अब क्या, बंदर मगरमच्छ के पीठ पर बैठा और वो चले। तालाब के बीच में आने के बाद मगरमच्छ ने कहा, हा हा हा, तुम तो बड़े ही उल्लू निकले। मेरी माँ ने कहा था कि बंदर का हृदय बड़ा ही स्वादिष्ट होता है, इसलिए मैं तुम्हें मेरी माँ के पास ले जा रहा हूँ, कोई वृक्ष पर नहीं। बंदर ने सोचा, अरे मैं इधर किधर फंस गया, मुझे कुछ तो सोचना पड़ेगा। और उसने मगरमच्छ से कहा, दोस्त, अगर तुम मुझे पहले कहते तो मैं खुशी खुशी आ जाता, पर अभी एक गड़बड़ हो गई। मगरमच्छ ने पूछा, क्या हुआ? बंदर ने कहा, मैं तो मेरा हृदय उधर उस वृक्ष पर ही छोड़ आया। मगरमच्छ ने कहा, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वृक्ष के पास ले जाता हूँ, तुम तुम्हारा हृदय ले लेना, फिर हम आपके पास जाएंगे। बंदर ने कहा, ठीक है। वो चले। तालाब के उस पार पहुंचने के बाद मगरमच्छ बंदर कूद कर वृक्ष पर चढ़ गया और बोला, तो एक दोस्त को दूसरे दोस्त से कभी धोखा नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हम सीखते हैं, होशियारी से हम कोई भी संकट के बाहर निकल सकते हैं। धन्यवाद।